देखो कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के अंदर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपके पास दो बॉल्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं, एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है। अगर आप इसको मूव करवाते हैं विद द वेलोसिटी ऑफ यू, तो बताएं ए की वेलोसिटी अगर वी है तो वी और यू में क्या रिलेशन है? तो बिल्कुल अंडरस्टूड है, अगर आप किसी भी सिस्टम को आगे पुल करवा रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी विल रिमेन सेम, तो एक यू और एक वी, सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटीज़ की डायरेक्शन चेंज कर दूं, इधर की बजाय वेलोसिटी ये रही, इधर की बजाय वेलोसिटी ये रही, अब यू और वी में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन है, ठीक। देखो इसमें क्या होगा, इसके अंदर जैसे ये एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, मैं एक रूल याद रखना, स्ट्रिंग के अलोंग, रस्सी के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट की वैल्यू सेम होती है। जैसे इसका वेलोसिटी वेक्टर स्ट्रिंग के अलोंग कितना है, वी, इसकी वेलोसिटी भी स्ट्रिंग के अलोंग कितनी है, यू, तो स्ट्रिंग के अलोंग है दोनों, वी और यू बराबर है। इसमें यह कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, इसमें आएगा नेक्स्ट में, कैसे, ये यू है, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी कॉम्पोनेंट क्या बनी, यू कॉस थीटा टू, ये वी है, स्ट्रिंग के अलोंग क्या बनेगा, वी cos थीटा वन, तो स्प्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी सेम रहेगी, तो क्या आएगा, v cos थीटा वन इज इक्वल टू u cos थीटा टू, आंसर। तो ऑब्जेक्टिव में मार्क करने को आएगा, रिलेशन करेक्ट करो, तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जहां भी वेलोसिटीज होंगी उसको स्ट्रिंग के लॉन्ग बना लो, स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटीज को सेम कर दो। फिर देखो जैसे ये रहा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है, इस ब्लॉक को मैं यहां खींच रहा हूं विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो ये अगर एंगल थीटा है तो स्ट्रिंग के लॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, तो इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग कितनी है, यू, इसकी वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग कितनी है, वी कॉस थीटा, तो वी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, यू, तो वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू, आंसर। क्लियर है यहां तक, तो आपने कुछ नहीं करना, स्ट्रिंग के अलोंग देखना है, ये स्ट्रिंग के अलोंग यू है, ये स्ट्रिंग के अलोंग वी कॉस थीटा है, दोनों बराबर, थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट कॉस होता है ना, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए फिर देखो, यहां पर एक पुली फिक्स्ड है, ब्लॉक नीचे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ये रस्सी एक रिंग के साथ कनेक्टेड, रिंग रॉड में है, अब रिंग टूट तो जाएगी नहीं, जब आप इसे नीचे खींचेंगे तो रिंग इधर चली जाएगी थोड़ी सी बस, तो इसकी वेलोसिटी वी है, रिंग की वी यू है, वी और यू का रिलेशन निकाल लें, तो यू का स्ट्रिंग के अलोंग कॉम्पोनेंट क्या होगा, यू कॉस थीटा, तो ये क्या बना, यू कॉस थीटा, ये क्या बना, वी, तो वी इज इक्वल टू क्या, यू कॉस थीटा, ठीक है यहाँ तक। जैसे फिर देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास पुलीज हैं, मासेज हैं, तो ये नीचे आ रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ यू, वी और यू का रिलेशन निकाल लें, तो यू का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग कितने, यू कॉस थीटा, तो यू कॉस थीटा और ये तो ऑलरेडी स्ट्रिंग के अलोंग है वी, तो वी इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, आंसर।